नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आया हूँ आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। दोस्तों, आज हम जानेंगे जाड़े में कच्चा लहसुन खाने से एक साथ मिट जाते हैं 11 रोग, लक्षण दिखने से पहले ही हो जाता है इलाज। तो चलिए शुरू करते हैं कच्चा लहसुन खाने के फायदे के बारे में। दोस्तों, लगभग हर किचन में मौजूद लहसुन का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ लोग कई तरह के फायदे पाने के लिए लहसुन को कच्चा भी खाते हैं। इसमें विटामिन B6, विटामिन सी, फाइबर, प्रोटीन और मैंगनीज जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अगर आप जाड़े या ठंड में कच्चा लहसुन खाते हैं तो जाने अनजाने में कई बीमारियों को एक साथ इलाज कर देते हैं। कच्चा लहसुन खाने से एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन भी मिलते हैं, जिससे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी जैसे रोग को खत्म किया जा सकता है। लहसुन एक औषधिक खाद्य पदार्थ है जो शरीर के कई रोगों को नाश करता है, लेकिन जब आप जाड़े में इसका कच्चा सेवन करते हैं तो जाने अनजाने शरीर के कई रोगों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, तो पहले जानते हैं कच्चा लहसुन खाने के तरीका के बारे में। ठंड में लहसुन के फायदे पाने के लिए आपको इसे खाली पेट खाना चाहिए। खाली पेट लहसुन की 2 कली छीलकर चबाएं। इसके साथ 1 गिलास गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक कच्चा लहसुन खाने के 30 मिनट बाद तक आपको किसी चीज़ का सेवन नहीं करना है। ठंड में जुकाम नहीं होता है। कच्चा लहसुन खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा जुकाम की बीमारी में मिलता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट रहती है उन्हें सर्दी जुकाम जैसी आम संक्रमण परेशान नहीं कर पाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक लहसुन का सेवन करने से आपके बीमार पड़ने का खतरा 61% कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर में फायदेमंद है। नसों में गंदा कोलेस्ट्रॉल जम जाने से रक्तचाप उच्च हो जाता है। दोनों ही समस्याएं दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा देती है। आयुर्वेद कहता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज कच्चा लहसुन खाकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अल्जाइमर और डिमेंशिया में फायदेमंद। फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाला ऑक्सीडेंट स्ट्रेस आपके दिमाग को की उम्र को बढ़ा देता है, जिसके कारण अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे दिमागी बीमारी हो सकता है। लेकिन कच्चे लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस का नुकसान को कम कर देते हैं। थकावट और कमजोरी में फायदेमंद। एक्सपर्ट्स कच्चे लहसुन का सेवन एथलीट्स और स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए काफ़ी अच्छा मानते हैं, क्योंकि कई रिसर्च में इसे एथलीट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाला पाया गया है। लहसुन खाने से आपको रोज़ाना होने वाली थकावट व कमजोरी से छुटकारा मिलता है। हड्डियाँ रहती है मोटी। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों की मोटाई कम होने लगती है और वे कमज़ोर हो जाते हैं। आयुर्वेद में कच्चे लहसुन का सेवन हड्डियों की मजबूती के लिए फायदेमंद माना गया है। लहसुन खाने से महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन में इजाफा होता है, जो हड्डियों की कमजोरी में महत्वपूर्ण पाया गया है। डिटॉक्स करने वाला फूड। लेड जैसे मेटल शारीरिक अंगों के लिए खतरनाक होते हैं। यह शरीर में जहर बना देते हैं, जैसे टॉक्सिन्स कहा जाता है। लेकिन कच्चे लहसुन में मौजूद सल्फर कंपाउंड इन मेटल से होने वाले डैमेज को ख़त्म करता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में फायदेमंद। अगर आपको बार बार जोड़ों में दर्द या मसल्स में दर्द होता है तो यह शरीर में बढ़ रही इन्फ्लामेशन का लक्षण होता है। लेकिन कच्चे लहसुन में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जो सूजन को ख़त्म करके दर्द में राहत देती है। वही जाड़े में ठंड को दूर रखने के लिए लहसुन फायदेमंद होता है। ये थी आज की जानकारी आप सबों के लिए। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर किसी जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।